Hello, what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn about PHP Companion Package in Sublime. जी हाँ guys, इस lecture में हम cover करेंगे PHP Companion Package की, तो चलिए guys शुरू करते हैं. यहाँ पर हम एक पैकेज है जो यूज़ करते हैं PHP Companion. वो क्यों यूज़ करते हैं, क्यों guys देखिए, अगर हमें स्टूडेंट को अगर यूज़ करना है, मीन के स्टूडेंट क्या है, हमारे लेवल में एक मॉडल है, मैंने मॉडल क्रिएट किया और ये हम एक कंट्रोलर में हूँ मैं, ठीक है. तो अगर कंट्रोलर में से कॉल करना पड़ेगा उसको मॉडल को, तो हम कैसे कॉल करते थे, यूज़ ओके, जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ यूज़ कीवर्ड और यहाँ पर ऐप, ऐप के अंदर गाइस क्या है, हमारा स्टूडेंट, ठीक है. तो इस तरीके से हम स्टूडेंट हो या यूज़र हो, किसी को हम कॉल करें तो हम इस तरह हमें टाइप करना पड़ता है. और यही नहीं गाइस, इससे बड़ी फाइल भी हो सकती है, जैसे कि जैसे यूज़ एलिमिनेट HTTP रिक्वेस्ट, ओके. तो रिक्वेस्ट को हम इस तरीके से ऐड करेंगे, तो इस तरीके से इन सब को अभी तो हमें राइट करना पड़ रहा है, लेकिन PHP Companion के थ्रू सिर्फ हमें राइट नहीं करना पड़ेगा, हम सिर्फ फाइंड करेंगे और इंटर करेंगे, ओके ओके. तो गाइज मैं अब आता हूँ प्रेफरेंस में और पैकेज कंट्रोल, और यहाँ पर गाइज इंस्टॉल पैकेज पर क्लिक करता हूँ, ओके. थोड़ी देर में हमारी विंडो जो है ओपन हो जाएगी, ओके. तो गाइज यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ PHP Companion, ओके. तो ये पैकेज है PHP Companion का, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, फ्यू सेकंड में गाइज ये इंस्टॉल हो जाएगा, ओके. तो ये हमारा जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है, ओके ओके. अगर मैं गाइज यहाँ पर आप देखें, आपने स्टूडेंट के ऊपर कर्जा रखना है, ओके. और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करना है, और यहाँ पर गाइज आपने फाइंड का कीवर्ड यूज़ करना है. तो यहाँ पर देखें PHP Companion फाइंड यूज, ठीक है. तो देखें सक्सेसफुली इम्पोर्ट ऐप स्टूडेंट, तो उसने हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो एडअप करा दिया, ओके. अगर मैं फिर से आपको दिखाऊँ, यहाँ रिमूव कर दूँ, ओके. और ये देखें यहाँ पर स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, कर्सर आपका स्टूडेंट पे हो, ओके. कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करना है, फाइंड यूज, ओके. तो उसने इस फाइल को ऐडअप कर दिया, मीन कि हमें ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो इस तरीके से अगर ये रिक्वेस्ट है तो यहाँ से मैं रिक्वेस्ट को डिलीट करता हूँ, ओके. और ये कहाँ है हमारे पास रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट, ठीक है. तो कंट्रोल शिफ्ट पी और फाइंड यूज़, तो यहाँ से वो पूछेगा किसको ऐड करवाना है, ओके. तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा हमें फर्स्ट को ऐड करवाना है, ठीक है. ये स्पोर्ट फसाड है और इस तरीके से HTTP फाउंडेशन रिक्वेस्ट, हमने फर्स्ट को ऐड करवाना है, तो आप यहाँ सेलेक्ट करें, ओके. और सक्सेसफुली इंपोर्ट, ठीक है, इनकी यहाँ पर उसने इंपोर्ट कर दिया है, ओके. तो गाइस ये है हमारे पास PHP Companion पैकेज, ओके. हमें मेन के फाइल को खुद से राइट करके ऐड नहीं करवाना, ठीक है, इनका पाथ, ठीक है. तो गाइस ये था हमारे पास PHP Companion पैकेज, ओके. तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही. गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू.